एस के तिवारी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भार्गव भक्ति सनातन धर्म और संस्कृति को सरल माध्यम में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। चैनल में वीडियो, गीत, संगीत, भजन और मंत्र उच्चारण के माध्यम से सनातन धर्म से जुड़ी बातों को दिखाया जाएगा। मेरा नाम एस के तिवारी है और मैं सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। भार्गव भक्ति ये मेरा चैनल है और इसको बनाने के पीछे मेरा मात्र और मात्र एक उद्देश्य है कि सनातन धर्म के सभी महाकाव्य, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, इन सब का मैं एक ऑडियो और वीडियो अपने संपूर्ण धरती में रहने वाले हिंदू मानव समाज के लिए बहुत सरलता और सहजता से इन तक पहुँचाऊँ। क्या क्या पहुँचाएंगे, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, पुराण है, क्या? मैं अभी शुरुआत तो श्री राम स्तुति से किया, फिर सुंदरकांड से किया, फिर हनुमान चालीसा, और अब जो है ना मैं चाह रहा हूँ श्रीमद् भागवत पुराण और रामचरितमानस, महाभारत, ये सारी चीज़ों को एक अपने स्तर से बना करके और लोगों को, और साथ में चारों वेद, हमारे सारे उपनिषद, हमारी मनुस्मृतियाँ, और इस तरीके से जितनी हमारी सनातन धर्म की हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, उसको हर संभव परिस्थिति में मैं पूरे हिंदू समाज के सामने एक YouTube चैनल के माध्यम से बहुत ही सहजता से लाना चाहता हूं, जिसमें किसी प्रकार का कोई मेरा व्यापारिक सरोकार नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई मेरी ग्लैमरस चीज़ें हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण तरीके से मैं बना रहा हूँ। मेरे में सिर्फ एक चीज ये अलग है कि ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लिए है, हिंदू समाज के लिए है, और इसमें हर बनने वाला गीत संगीत मेरे 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन, उनके मंत्र, उनकी पूजा विधि का ऑडियो वीडियो समेत जारी करेगा, और सबके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल पूर्ण रूपेण ये फ्री रहेगी सेवा। और अगर कोई सनातन धर्मी इसमें चाहेगा कि वो कुछ अपने वीडियो ऑडियो सनातन धर्म से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ करना भी चाहे, तो मैं उसका पूर्ण रूप से फ्री यानी मुफ्त में स्वागत करता हूं। जो मेरे से बन सकेगा इस चैनल के माध्यम से मैं करूंगा। तिवारी, आपने जैसे कि आपने कहा कि आप YouTube चैनल बनाएंगे, तो आप अकेले से बताएंगे, जैसे कहते हैं कि प्रवचन देते हैं, पढ़ते हैं, वैसे पढ़ाएंगे, बताएंगे या कुछ उज्ज्वल भी होगा इसमें? मैं प्रवचन भी, अपने संत मुनियों का प्रवचन भी रखूंगा, और इसके अलावा जो मेन चीज है ना कि हमारी जो वेदों की जो ऋचा है, जो हमारे वेद हैं, वेदों में क्या है, लोग हमेशा आपने सुना होगा कि चार वेद, लेकिन ये चार वेद है, चार वेदों में मतलब कुछ लोगों को तो पता है, हमारे विद्वानों को पता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के हर व्यक्ति को नहीं पता है। नहीं, अगर जिस दिन चार वेदों का एक संक्षिप्त ज्ञान भी हिंदू समाज के जन जन को हो गया, तो फिर इस धरती में जो हमारा हिंदू समाज कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए गुमराह हो जाता है, इधर उधर जाने लगता है, उसकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे 33 कोटि देवी देवता चार वेद ही हैं, चार वेदों में ही हैं। ड्यूरेशन क्या होगा? पर एक बता, ड्यूरेशन क्या होगा? अभी ड्यूरेशन के लिए, इसलिए कि सब महाकाव्य अलग अलग हैं, अब हर चीजों का विस्तृत वर्णन है, किसी का संक्षिप्त विवरण है, तो सबका ड्यूरेशन तो अलग अलग रहेगा। जैसे रामायण की बात करूं मैं, रामायण 18 अध्याय है, तो एक एक अध्याय करेंगे या किस तरह से करेंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जब मैं जो चीज़ शुरू करूंगा, जैसे आपने कहा रामायण, रामायण और रामचरितमानस दोनों एक ही चीज़ें हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन अब इनमें ऐसा है कि अगर मैं रामचरितमानस शुरू करूंगा तो 100% पहले रामचरितमानस के सारे कांड पूरा करूंगा, फिर इसके बाद जो है मैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन पूरा होगा 18 अध्याय? नहीं नहीं नहीं, इनका जो है ना अलग अलग तरीके से मुझे बनाना होगा, एक एपिसोड में तो संभव ही नहीं कोई बना पाए, तो इनका पूरा अलग अलग अध्याय कांड वाइज इस तरीके से करेंगे। अब सुंदरकांड भी काफी लंबा है, जी हाँ जी, एक घंटे कंटिन्यू होगा? हाँ, ये कंटिन्यू होगा सुंदरकांड को पूर्ण रूप से, और सबसे बड़ी बात है कि सुंदरकांड को खुद मैंने गाया है, सुंदरकांड को जितना मेरे से बेहतर हो सका मैंने सजाया है,
और बहुत जल्दी मेरे चैनल में रिलीज होगा। बाकी जो चीजें महाभारत और वेद है, वेद चारों वेद एक एक साथ वेद होगी? नहीं नहीं, एक एक करके, वन बाय वन करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा, इस समुद्र से भी बड़ा सनातन धर्म के महाकाव्य शास्त्र है, तो इनको शायद मतलब मुझे 10 जन भी मैं अगले कंटिन्यू लूँ तो इन्हें पूरा कर पाऊँ, ये पूरी तरीके से मैं इनको पढ़ पाऊँ या कंठस्थ कर पाऊँ तो भी संभव नहीं होगा। लेकिन मेरी बची कुची जितनी ज़िंदगी है, मैं इसमें अपने लास्ट तक कोशिश करूँगा, अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूँगा कि मैं वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को, उपशास्त्रों को, इनका मैं जितना ज़्यादातर इनका ऑडियो, इनके मंत्र, इनके आवाहन मंत्र, इनकी किसी पूजा विधि होती है, इनका ऑडियो वीडियो जो है ना, अपने सनातन धर्मी भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं उपलब्ध कराऊँ। आज की जनरेशन है वो चाहती है शॉर्ट में देख के खत्म कर दे, वेद की बात तो काफी लंबा, 1.5-2 घंटे का होगा, एपिसोड होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वो कैसे, उनको कैसे कहेंगे कि आप अभी वेदों में, जब हम वेदों में शुरू करेंगे तो उनके, उन वेदों में हर वेद का अपना अपना जो है ना एक अलग महात्म है, और हर वेद में जो लिखा गया है, जैसे किस चार वेद है, चार वेदों के भी अपने अलग अलग खंड हैं, तो जब उसमें हम घुसेंगे तो फिर एक वेद को लेंगे और एक वेद के सभी खंडों को पकड़ के धीरे धीरे एक एक करके हम बनाएंगे, और इसमें कोई ये 1-2 साल में बनने वाली चीज़ें नहीं है, ये शायद मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक चलती रहेगी। देखिए बिल्कुल, इसमें अगर कोई इंसान जिसने धरती में जन्म लिया है, माँ की कोख से जन्म लिया है, और अगर उसको वेदों और पुराणों की चीजों को सुन के अगर उसे पकना समझ में आ रहा है तो वो तो फिर मैं उसे जानवर की श्रेणी में समझूंगा। और इसमें इंटरटेनमेंट के लिए मैंने कुछ भी ना डाला है ना मैं डालूंगा, क्योंकि इस चैनल का कोई संबंध नहीं है इंटरटेनमेंट से। जैसे मैंने पहले भी कहा था, विजुअल इफेक्ट क्या होगा, आप ही रहेंगे या विजुअल कुछ नहीं? नहीं बिल्कुल, इसमें मैंने कोशिश की है, रामायण महाभारत के कई किरदारों को इसमें मैंने बुलाने की कोशिश की है, वो लोग आए भी हैं जिन्होंने रामायण की है, जिन्होंने महाभारत की है, आयोजन कलाकार, तो इसमें जहाँ मेरी ज़रूरत लगेगी मैं हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि इन्होंने आध्यात्मिक चीज़ें कुछ किया है मैंने उनको लाने की कोशिश की है, क्योंकि उन लोगों ने उस किरदार को जीवंत किया है, तो मैं चाहूँगा और लोग आ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। सर भजन भी होगा इसके अंदर कुछ? बिल्कुल भजन होंगे, इनमें प्रभु श्री राम के भजन होंगे, हनुमान जी के भजन होंगे, माता रानी के भजन होंगे, जैसे माता रानी का जागरण चौकी आपने जो सुना है, इनके बिल्कुल इस तरीके से भजन होंगे जो ऑलरेडी चल रहे, जैसे अभी नवरात्रे है जो कल से स्टार्ट है, तो नवरात्रे में जो हमारी 9 देवियां हैं, हमारी 9 माता हैं, तो हर एक माता का हर एक भजन मेरा कंटिन्यू डेली एक एक नया भजन रिलीज होगा कल से। हाँ बिल्कुल, सारी शूटिंग हो चुकी, सब कुछ हो चुका, कल से रिलीज है। स्त्रोत वगैरह भी होंगे? बिल्कुल, इसमें स्त्रोत भी हैं, मैंने कहा ना कि आवाहन से लेके विसर्जन तक किसी भी ईश्वर, किसी भी देवी देवता का मुझे पूरा इसमें कंप्लीट करना। जैसे आपने कहा कल से 9 बजे शुरू होते हैं, माता की सब कुछ रहेंगी, माता पूरा 9 दिन ये माता के ही सामने चलेंगे, माता के ही भजन चलेंगे। मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी मेरे हिंदू समाज के भाई बहन इसे देख रहे हों, भार्गव भक्ति ये बिल्कुल नॉन कमर्शियल चैनल है, मुझे किसी प्रकार की किसी से उम्मीद नहीं है, ना यूट्यूब से कोई उम्मीद है, ना किसी मुझे फाइनेंसर से उम्मीद है, मेरे पास, मैं एक किसान आदमी हूँ, मेरे पास जितना संभव हो सकता है मैं अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी पूंजी तक सनातन धर्म के सभी वेदों, पुराणों, उपनिषदों को ऑडियो और वीडियो में बनाकर और जनमानस के कल्याण के लिए, उनके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए मैं करूँगा। मैं अपने सारे इस धरती पर रहने वाले, चाहे वो लंदन में हो, यूके में हो, या यूएसए में हो, कहीं पर भी हो, मेरे धरती पर रहने वाले सभी हिंदू समाज के भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि भार्गव भक्ति चैनल यूट्यूब में जाएं, देखें, सब्सक्राइब करें, और कुछ मुझे वहां से सलाह दें, कुछ मुझे कमेंट में एडवाइस करें कि मुझे और कितने अच्छे तरीके से बनाना चाहिए, या और किसी अध्याय को, किसी महाकाव्य की या किसी रचना को अगर उन्हें ऐसा लगता है तो मैं उस पर पहले काम करूं, मैं उनकी सलाह को तहे दिल से स्वीकार करूँगा, यही मुझे आप सब लोगों से उम्मीद है, और मेरी उम्मीद पूरी सफल होगी। सर कोई दोहा अगर मेरे से, तो मैंने अपने जीवन में एक ही चौपाई जानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय।